हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं, यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप भी अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल और हाई स्किल के कैटेगरी में काम कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप इन चारों कॉन्ट्रैक्टर का जो पेइंग स्किल है, जिससे आपको पेमेंट मिलता है, इस स्किल्स को तोड़कर, या यदि आप बाहर निकालना चाहते हैं, यानी आप जो जो चार स्किल हैं, यानी जो आपका अनस्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल और स्किल को तोड़कर यदि आप परमानेंट होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज की डेट में किसी भी कंपनी में परमानेंट जॉब मिलना एक बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जा रही है और मानी जाती है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा पेमेंट मिल जाती है। आज किसी भी कंपनी में परमानेंट होने के दो रास्ते हैं। तो पहला रास्ता है आपका कैंपसिंग के द्वारा है, और कैंपसिंग का जो प्रोसेस है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो फिलहाल किसी कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई आईटीआई कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक या बी या फिर एमटेक अगर कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, फिर जरूर देखना चाहिए। उन्हें तुरंत ही जो कंपनी में हो रहे, यानी जो कंपनी के द्वारा जो कैंपसिंग की जाती है अपने कॉलेज में, उस एग्ज़ाम को जरूर क्वालिफाई करें, क्योंकि उन्हें अगर वो कैंपसिंग एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली कंपनी में परमानेंट हो जाते हैं। यानी यदि आप किसी स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में अगर परमानेंट जॉब मिले आपको, तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, और कॉलेज में जो कैंपसिंग होती है आप उस पर क्लियर करें, उनकी एग्ज़ाम को आप क्लियर करें, तो आपको 100% परमानेंट जॉब मिल जाती है कंपनी के द्वारा। क्योंकि यदि आप कंपनी में परमानेंट हो जाते हैं, तो इन्हें आप काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की तुलना में। और इसका जो सेकेंड प्रोसेस है परमानेंट होने की, वो है आपके सेटिंग। आप यदि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि उस कंपनी में आप परमानेंट हों, तो इसका एक ही उसका जो सेकेंड उपाय है वो है आपकी सेटिंग। आपकी पर भी होना चाहिए, आपकी पहुंच ऊंची पद तक होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो गवर्नमेंट का जो वेज सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो कंपनी एक्ट का जो सैलरी जो वेट इस सिस्टम चल रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर बेस में, यानी कि आपको अनस्किल, सेमी स्किल, स्किल और हाई स्किल, इस चार कैटेगरी के जो कॉन्ट्रैक्टर पेइंग स्किल में बांटा दिया गया है। यानी आप कोई भी अगर कॉलेज पास आउट होने के बाद यदि आप किसी कंपनी में यदि आप मैंने यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, यदि आप कॉलेज पास आउट होने के बाद या आपका यदि सिलेक्शन कंपनी एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है, तो आपको भी किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा।